शहर बेंगलोर में पिछले कुछ दिनों में लॉकडाउन के दौरान मजदूरों को खाना बांट रहे चंद मुस्लिम समाजी कारकुनों पर फिरका परस्त अनासिर ने हमला किया था और ऐसे समाज मुखालिफ दुश्मन आफात के दौरान भी नफरत फैलाने में मसरूफ नजर आए। इन हालात में शहर की मरूफ सकाफती तंजीम अखिल कर्नाटक महमदीयर कन्नड़ वेदिके की जानिब से एक मुहिम का आगाज किया गया बनवान आइए कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ें, मजहबों के दरमियान दीवार न बनाएं। बहुत संगीन इससे हम गुजर रहे हैं, इसलिए ये जात पात पे नहीं जाना और सभी मिलके ये वायरस के इससे हम सभी मिलके एक जैसे पीएम साहब ने बोला हमारे नरेंद्र मोदी साहब इसको एक युद्ध ये युद्ध है, ये युद्ध में सभी मिलके सब सिख ईसाई मुसलमान हिंदू सभी मिलके एक होके इस वायरस के इससे हमें आंदोलन करना है। इस सिलसिले में अखिल कर्नाटक महमदीयर कन्नड़ वेदिके के अहदेदारान इस कोशिश में लगे हैं कि आरएसएस व बीजेपी के लीडरान से मुलाकात करें, वह नफरत के फैलाव को रोकें और माशरे में फ़िरकावाराना हम आहंगी को बरकरार रखने की कोशिश कर सकें। हमें अखिल कर्नाटक महमदीयर कन्नड़ वेदिके कोरोना के खिलाफ जो कार्रवाई हो रही है उसके साथ साथ ये कम्युनल जो दीवारा उठ रहे हैं वो दीवारा के खिलाफ जो हिंदू मुसलमान जो डिबेट कर रहे हैं वो दीवारा के खिलाफ हम एक आंदोलन कर रहे हैं। अभी हम आरएसएस वालों से भी ताल्लुकात रखे हैं, हम कम्युनल हारमोनी के लिए हम मती करे बैतुल माल है हमारा वो उनसे हम एक फुट किट दे रहे हैं, गैर कौम को ही बमनों को भी दे रहे हैं, लिंगायतों को भी दे रहे हैं, SC ST को भी दे रहे हैं और प्यार मोहब्बत से उनसे हम बात कर रहे हैं जी। बीजेपी आरएस वालों से पूर्वों से मिलकर बातचीत की है, भाईचारे के लिए हमें पूरी तरह से आगे बढ़ा रहे हैं। ये हमारे शबील रिशाद के जो अमीर शरीयत हैं वो भी थोड़ा आगे आकर बीजेपी वालों से आरएसएस से मिलकर भाईचारे से बातचीत करें और साथ में सब मिलकर चलें। ईटीवी भारत के लिए बेंगलोर से रफीक जब्बार की रिपोर्ट।